उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए ने उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा है। जंगलों की आग रोकने के लिए एनडीआरएफ की एक विशेष टुकड़ी उत्तराखंड में तैनात रहेगी। इसी तरह प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता ने, सुनिए। इस बार किस तरीके की तैयारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी इस बार वन अग्नि को लेकर है, क्या क्या तैयारी आपके माध्यम से की जा रही है? देखिए, जैसा आप जानते होंगे कि 15 फरवरी से सीजन शुरू हो जाता है और इस बार कुछ टेम्परेचर भी लगता है कि फरवरी में ज़्यादा है, तो एक हम पूरे अलर्ट पे हैं और लगभग जितने हमारे मॉडल क्रूज स्टेशन हैं 15 फरवरी से सब लोग तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो फायर लाइन्स कंट्रोल वर्किंग करनी थी, वो हम साफ़ सफाई करनी थी, ये काम भी लगभग 90% हो चुका है। इसके साथ साथ इस बार एक हम नया प्रयास कर रहे हैं कि विलेज लेवल पे हम विलेज फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन समितियाँ बना रहे हैं। तो लगभग 200 समितियों का गठन किया जा चुका है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए इस बार आग के नियंत्रण पे हमारा एक नई अप्रोच होगी। सर, ये भी इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्योंकि बारिश इस सीजन में कम हुई है, गर्मी ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद में जंगलों में जो आग का स्थिति बनी रहती है उसमें काफ़ी इजाफा इस बार हो सकता है, एक चुनौती इस बार बन सकती है वन अग्नि। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार चूँकि विंटर रेन्स नहीं हुई है और जो वन क्षेत्र में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो फ्लोर पे नहीं है, बट हम एक ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो चीड़ के वन के क्षेत्र हैं, इस बार हम पिरूल को उससे फ्लोर से हटाने के लिए और उस पिरूल को एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हमारे पास। हरिद्वार के पथरी थाना इलाके में संतों के बीच विवाद की एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग तलवार निकालकर एक दूसरे को डराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पंचायत निर्मल अखाड़े का बताया जा रहा है। पेड़ काटे जाने को लेकर संतों के दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर संतों के दो गुट आपस में झगड़ते नजर आए। ये वीडियो आपके सामने है जहाँ पर संतों का ये गुट आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तलवार निकालकर एक दूसरे को डराया जा रहा है। ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल पेड़ काटने को लेकर इन संतों के बीच यह विवाद देखा गया और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों ही तरफ से तलवारें निकाल ली जाती है एक दूसरे को डराने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।